दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, सेब के कितने बीज खाने से इंसान की मौत हो सकती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सेब के 80 से ज्यादा बीज खाने से इंसान की मौत हो सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उत्तर कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सऊदी अरब का कानून सबसे कठिन माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मेंढक त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ताले का उत्पादन कहां होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल पूरे भारत में सबसे ज्यादा ताले अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आखिर वो कौन सा देश है जहां का हर एक नागरिक सैनिक है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इजराइल ही वो देश है जहां का हर एक नागरिक एक सैनिक के समान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल भारत में अब तक कुल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सन 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा देश है जहां 10 पेड़ लगाने पर सरकारी नौकरी दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल फिलीपींस में वहां के एक नागरिक द्वारा 10 पेड़ लगाने पर उसे सरकारी नौकरी दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा जीव है जिसे भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल मछली ही वो जीव है जिसे भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर,
भारत में लगने वाले कुंभ के मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मिनी ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल बीबी का मकबरा को देश भर में मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, यह एक मूक फिल्म थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर केला कंबोडिया देश का राष्ट्रीय फल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में रविवार को छुट्टी नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दुनिया में वो एकमात्र देश यमन है जहां रविवार को भी छुट्टी नहीं होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान के लोग किस देश में नहीं जा सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पाकिस्तान के लोग इसराइल में नहीं जा सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैंगनी टमाटर किस देश में पाए जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बैंगनी टमाटर ब्रिटेन देश में पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अमेरिका देश का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस फल को हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नारियल को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में परमाणु हमला हुआ था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जापान देश में परमाणु हमला हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अखरोट खाने से कौन सी बीमारी में फायदा मिलता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अखरोट खाने से दिल की बीमारी में फायदा मिलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी मां को प्रोस्टिट्यूट कहूं तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मेरे पापा उनके इकलौते कस्टमर हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने उन्हें काफी प्यार दिया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? जवाब देती है, सर बहन आप जैसे सीनियर मान्यताओं के मुताबिक ऑफिसर के साथ पूजा करते समय घंटी बजाने से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। नंबर एक, मांस घंटी बजाने से मंदिर में मौजूद देवी देवताओं की प्रतिमाओं में चेतना जागृत होती है और वे भक्तों की ओर आकर्षित होते हैं। नंबर दो, घंटी की आवाज से वातावरण में कैंडिडेट जवाब देती है, ऊर्जा का संचार होता है, लैक्टिक और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला वातावरण शुद्ध और शांतिमय बना रहता है, बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है। घंटी बजाने से शरीर के अंदर भी चेतना का संचार होने लगता है। नंबर चार, घंटी बजाने से
तन और मन पवित्र हो जाते हैं। कैंडिडेट जवाब देते हैं प्रवेश के समय शुद्ध भाव से एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। नंबर 5 बिहारों में कहा गया मुख्यमंत्री मंदिर में घंटी बजाने से कई जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 6 ज्योतिष के मुताबिक पूजा करते समय घंटी बजाना कैंडिडेट जवाब देते शुभ माना जाता है। अब्दुल गफूर ऐसा भी कहा जाता है एग्जामिनर ने कैंडिडेट से करने का एक आसान तरीका वह कौन सी चीज है और ईश्वर जो बनाने वाला पहुंचाने का माध्यम खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं। नंबर 7 और जो इस्तेमाल करता है उसके मालूम नहीं होता। मंदिर में पूजा करते समय 5 बार घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है सर इसका सही जवाब होगा कफन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं वह क्या है जिसे आप बिना छुए तोड़ सकते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है सर विश्वास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं गोरी से गोरी औरत की भी एक चीज काली होती है बताइए कौन सी। कैंडिडेट जवाब देती है सर परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो महीने में एक बार आती है मगर सिर्फ 24 घंटे बाद वापस भी चली जाती है। कैंडिडेट जवाब देती है सर तारीख। कैंडिडेट जवाब देती है सर हां हम 7 से एस हटाकर इसे इवन बना सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे पहनने वाला खरीद नहीं सकता और ना ही खुद के लिए खरीद सकता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर इस प्रश्न का सही उत्तर कफन है। व्यक्ति अपने लिए कफन कभी नहीं खरीदता है और न ही कफन अपने लिए खरीदा जा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी। कैंडिडेट जवाब देती है सर उन्हें यह ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं बताइए झूठ बोलते समय शरीर का कौन सा अंग गर्म होता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर झूठ बोलते समय किसी भी व्यक्ति के कान गर्म हो जाते हैं। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं कौन सी चीज है जो गर्म करने से जम जाती है। कैंडिडेट जवाब देती है सर अंडा अगर गर्म किया जाए तो वह जम जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं संजना की 4 बेटियां हैं चारों बेटियों के एक एक भाई बताओ संजना को कितने बच्चे हैं। कैंडिडेट जवाब देती है सर 5। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं आदमी ने उंगली से 6 लोगों को 6 सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया वो स्पाइडरमैन नहीं था सुपरमैन भी नहीं था और मैन भी नहीं था तो बताऊं कौन था। कैंडिडेट जवाब देती है सर लिफ्टमैन। एग्जाम से अगला सवाल पूछते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां अमीर हो या गरीब सबको कटोरी लेकर खड़ा होना पड़ता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर पानीपुरी की दुकान पर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 1 किलो गीली हो तो 2 किलो और जला दे तो 3 किलो हो जाती है।
कैंडिडेट जवाब देती है, सर सल्फर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जो कभी खरीदा नहीं जा सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मेहनत का फल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मुर्गी ने भारत और चीन के बीच अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मुर्गी का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के किस अंग में तेजाब पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मूत्राशय यानी यूरिन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ट्रेन के सामने कोई आ जाए तो भी ट्रेन ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं रोकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सामान्य ट्रेन 100 km प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगर कोई जानवर या इंसान ट्रेन के सामने आ जाए तो लोको पायलट को ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिलता है। इमरजेंसी ब्रेक मारने पर भी गाड़ी 800 से 900 मीटर दूर जाकर रुकेगी, इससे हादसा होने का डर रहता है, इसलिए पायलट ब्रेक नहीं मारता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ है और उसे वह दो दरवाजे दिखते हैं, एक हरा और एक लाल, वह सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कार का दरवाजा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्रिकेट को हिंदी में गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता कहते हैं।